exist. Everybody and a very good morning. It's our day 3 in Leh और आज का हमारा plan of action है we are going to the most beautiful lake, one of the most beautiful lake in all over Ladakh. That is Somorire and we all are ready. Let's begin the journey. How excited are you for Somorire? But I wanted to go to She's Bangalore. So excited that her camera is already on in her phone. She's so excited. She doesn't even lock the phone. No? Bye. तो जी अभी पहला स्टॉप हो गया है हमारा. कल जहाँ पर हम लंच के रुके थे उसी जगह पे हमने स्टॉप लिया है करू में फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि चाय कॉफ़ी कुछ भी किसी ने भी नहीं पिया. सुबह सुबह 5 बजे उठ गए थे, अभी बज रहे हैं 7:45. विल हैव क्विक ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से Somorire की जर्नी आगे बढ़ेगी एंड रास्ते में रुकते रुकाते अच्छे व्यूज़ देखते हुए जाएंगे. जी तो हमें यहाँ पर रास्ते में एक ही विलेज में ब्रिज दिखा तो हम यहाँ पर आए हैं. लेट्स गो, थोड़ा सा वॉक करते हैं. ये सब सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन नहीं है, ये पुराना ओल्ड लूडन वाला ब्रिज है काफ़ी. आगे और रिवर का फ्लो आप देख सकते हो. ओ डैम, अभी सब ने अपने अपने स्टंट दिखा दिए हैं. गाड़ी से बाहर निकल निकल के वीडियो बना लिए. उसमें सबसे नंबर वन पे थी ये मिस अमेज़न एंड देन योर्स ट्रूली हिमानी एंड सागर ने नहीं किया और भैया ने भी नहीं किया. दे बोथ वर एक मिनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है. मैं व्लॉग के जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा. तारिका ने अभी भी मेरे को पूछा है अगर ये पकड़ो नहीं अगर ये हैंडल और बाहर निकलो तो गिरने के चांस रहते हैं क्या, ये आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा. हाँ. तारिका का सवाल है जेन्युइन. ओके सो गाइस, यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग है एक. सामने से फिर से गाड़ी आ रही है. अच्छा आप निकल जाएगी अपनी भी. हाँ ये गाड़ी भी तो यहाँ पर माहे के पास, आई थिंक इट्स माहे ओनली. यहाँ से करजोक इज 56 किलोमीटर और यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ परमिट चेक हो रहे हैं. इससे पहले एक बार करू से आगे आया था चेक पोस्ट, वहाँ पे चेक हुए थे परमिट एंड यहाँ पे परमिट चेक हुए हैं. एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ले आ रहे हैं आने से पहले ही ऑनलाइन परमिट ले लो. डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए इट्स ऑनलाइन एंड अगर आप फॉरेनर हो तो आपको ले आके डीसी ऑफिस से परमिट लेना पड़ता है. आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करा सकते हो, एक दिन में आपको मिल जाता है विद इन 12 to 14 आवर्स. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जितने भी लोकेशन है ना सब जगह टिक कर दो, उससे अमाउंट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. पर आपके पास सारे डेस्टिनेशन का होना ज़रूरी है परमिट. सो या Okay, guys.
गाइस, तो हम आ गए हैं पुगा वैली और यहाँ पर देर इज़ अ ग्रास लैंड पीछे देख रहे हो, पर एक वाटर क्रॉसिंग है बिकॉज ऑफ हैवी रेन. एक वाटर क्रॉसिंग हो गई है तो वो हम जा रहे हैं. पेंट वेंट ऊपर चढ़ा लिए हमने. पानी बहुत ठंडा होगा ना, तो पानी तो होगा ही. इट्स वेरी कोल्ड. वाओ, चलो चलो भैया के फुटस्टेप पे चलो, नहीं तो फिर हम लोग गिर जाएंगे. चलो चलो आ जाओ, साथ साथ में आओ. कम अलोंग गाइस. इट्स फ्रीजिंग. तारिका तू मेरे को पकड़ मत. कम स्लो. ओह डैम डैम, क्या बहुत ठंड है. यू गाइस ग्लेशियर नेशनल पार्क, यू नॉट इवन स्टेप ऑन. नींद उड़ गई सारी. ओके हाँ, तो आगे आगे हॉट स्प्रिंग है गाइज, हम वहाँ तक जा रहे हैं चल के. वहाँ वाटर क्रॉसिंग थी थोड़ी सी, वो बंदा नहा रहा है वहाँ पे. सी लुक एट हिम, तो उसके लिए तो वेट कर रहा था. नो इट इज हॉट स्प्रिंग, नहीं वो उसके लिए रेडी हुआ गाइज. यहाँ पर पूरा जो ग्रास लैंड है इसमें बहुत पानी भर चुका है, तो हम लोगों को यहाँ से ऐसे चल चल के टी शर्ट से. वैसे इतना गहरा नहीं है, बस थोड़े पूरा और गहरा नहीं है. वेट, ऐसे ग्रास के ऊपर पैर रख रख के ही जाना पड़ेगा, जिससे अभी वहाँ हॉट स्प्रिंग है, हम वहाँ तक जा रहे हैं. आराम से आना ना. कहाँ गोइंग बैक? Oh my god, ऐसे कैसे हो गए? So guys, this is the hot water spring. इसमें से इतना हॉट वाटर आ रहा है कि ऐसे धुआं आप देख सकते हो. नेचुरल. सो गाइस, बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी तो हमें जल्दी जल्दी से आना पड़ा. बट दिस प्लेस इज जस्ट थम्स अप, राइट? ऐसा लग रहा है झोपड़ी बना के यहीं रुक जाएं. हाँ यार, यहाँ पे आके, यहाँ पे आना हम लोग डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे. डोंट गो टू पैंगोंग, कम टू सोमोरीरी एंड देन पुगा वैली. बहुत मजेदार जगह है. और स्टे के लिए हंटिंग शुरू कर दी है यहाँ पर, क्योंकि हमने बुक नहीं किया था. ऑन द स्पॉट वी आर लुकिंग फॉर वन. इस काम में मजा आता है. हाँ. कि सब कुछ बुक ना करें. हाँ, कुछ चीज कुछ जाके भी देखें. हाँ, यस, दिस इज ग्रैंड डॉल्फिन होटल. ग्रैंड डॉल्फिन होटल, इसमें डॉल्फिन देखने मिलेंगे. लेट्स सी, देयर इज वन मिल्की वे आल्सो. मिल्की वे गेस्ट हाउस. सांसें फूल रही है. हाई एल्टीट्यूड पे आपको सोमोरीरी के नज़ारे थोड़ी देर से दिखाते हैं, पहले हम लोग एक बार रहने की जगह फाइनल कर लें. यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पर होगा अवेलेबल. लेट्स सी. हम सब इतने ज़्यादा भूखे थे कि बस हम यहाँ पर इस छोटे से रेस्टोरेंट में अंदर एंटर हुए और हमने फटाफट से खाना ऑर्डर किया, दाल चावल सब्जी, और बस खा के फिनिश्ड एवरीथिंग. अभी हमारे सामने है लेक. पहले तो हमें रहने के लिए होटल अब फाइनल करनी, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि सबको भूख लगी थी. 4 बज गए थे, तो इट्स 4:30 राइट नाउ. और अब देखते हैं, हम होटल देखेंगे और उसके बाद फिर लेक की तरफ चलेंगे. हाँ जी गाइस, तो लंच करके फिर से शुरू हो गया था हमारा स्टे हंटिंग. एंड दिस इज़ राइट बिहाइंड मी. ये एक काइंड ऑफ स्टे, मतलब ऐसे प्रॉपर टेंट नहीं है, ये हट जैसे बना रखे हैं वुडन वाले. एंड देर इज़ स्विस टेंट्स बिहाइंड मी. यहाँ पर ये इतना अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, नॉट दैट ग्रेट. तो हम शायद इसको बुक करने का बात कर रहे हैं, सागर गया बात करने के लिए. तो मे बी विल बुक दैट, बिकॉज यहाँ से लेक का भी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम सुबह सुबह वॉक करने जा सकते हैं लेक के अराउंड, और काफ़ी अच्छा लगेगा. यस, सो क्या हुआ? चलो तो डन हो गया है, हमारा सामान वामान निकालेंगे गाड़ी से. दैट्स आवर कार बिहाइंड. खाना तो हो गया है, बस अब थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि ज़रूरी है.
हाँ जी एवरीबॉडी, तो हम मैं आपको क्विकली अपना रूम दिखा देती हूँ फॉर नाइट। ये है हमारा बड़ा बेसिक सा सोमोरेरी में हट, डबल बेड, वेरी कंफर्टेबल, नाइस विद कंफर्टर, और यहाँ पे छोटा सा सिटिंग है जहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है, और यहाँ पर है वॉशरूम। काफ़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन मामला है। यस, सो दिस इज आवर स्टे फॉर अ नाइट। इसका जो कॉस्ट है वो हमें 3000 एक रूम का मिला, डिनर और ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो नाइस, गुड डील। आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पे आके भी कर सकते हो, अभी कोई पीक सीज़न नहीं है तो हमने ऑन द स्पॉट ही किया है। वैसे मिल जाते हैं होम स्टेज काफ़ी है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो या अभी चाय पीते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा आराम, थोड़ा चिल पिल करते हैं, क्योंकि कल का भी हमारे पास टाइम है टू सी द लेक, एंड या दैट्स वॉट।